कॉमनवेल्थ गेम्स बैडमिंटन के विमेन सिंगल मुकाबले में पीवी सिंधु ने जीता गोल्ड, कनाडा के खिलाड़ी को हराया। पीवी सिंधु को प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, सिंधु को चैंपियंस का चैंपियन बताया। मेन सिंगल के मुकाबले में लक्ष्य सेन ने जीता गोल्ड, मलेशिया के खिलाड़ी को हराया। भारत के सात्विक साई और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन के मेन्स डबल्स के फाइनल में गोल्ड मेडल जीता। टेबल टेनिस के मेन्स सिंगल्स में शरद कमल ने जीता गोल्ड, इंग्लैंड के खिलाड़ी को हराया। मेन्स हॉकी में सिल्वर मेडल से भारत को करना पड़ा संतोष, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 7-0 से हरा दिया। टेबल टेनिस के मेन्स सिंगल्स मुकाबले में ज्ञान शेखरन साथियान ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। महाराष्ट्र राजभवन के दरबार हॉल में कल शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार, सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर तंज कसा, कहा असली सीएम कौन है पता नहीं, कहा जल्द गिरेगी सरकार। शिवसेना के उद्धव गुट का बयान, अंबादास दानवे होंगे महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज, जेडीयू ने मंगलवार को सभी सांसदों विधायकों की मीटिंग बुलाई, पटना में 11 बजे बैठक। आरजेडी ने भी मंगलवार को अपने विधायकों की बैठक बुलाई, मनोज झा ने कहा हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम के आवास पर हुई बैठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई नेता शामिल हुए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा हम बिहार की जनता के निर्देश के मुताबिक फैसला करेंगे। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा जेडीयू से मंत्री कौन बनेगा ये बीजेपी तय नहीं करेगी। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की तुलना कंस से की, कहा नीतीश ने हर करीबी को धोखा दिया, राजनीतिक वध करते हैं नीतीश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा जो डबल इंजन सरकार को धक्का देगा जनता उसकी कमर तोड़ देगी। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल का तंज, अपने सहयोगियों को खत्म करना बीजेपी की पुरानी आदत है। सीपीआईएमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा अगर जेडीयू ने बीजेपी को छोड़ा तो जेडीयू की मदद करेंगे। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का फेयरवेल, प्रधानमंत्री ने कहा आपके नेतृत्व में उच्च सदन को नई ऊंचाई मिली। वेंकैया की तारीफ में बोले पीएम, कहा आपके साथ काम करना सौभाग्य की बात रही। नायडू के फेयरवेल स्पीच में बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, दबाव और मुश्किलों में आपने काम किया। नायडू ने कहा भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, दुनिया के देशों की भारत पर निगाह है, सांसदों से शालीनता की अपील करता हूं। नायडू ने शेयर की अपने मन की बात, जिस दिन मुझे उपराष्ट्रपति के लिए चुना गया बीजेपी से इस्तीफा देने का गम ज्यादा था। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को पानीपत में एथेनॉल संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। 15 अगस्त को दिल्ली में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी, चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर। रोहिंग्या के खतरे पर बोले दिल्ली पुलिस के अधिकारी दीपेंद्र पाठक, रोहिंग्याओं को मॉनिटर करने के लिए अलग से है व्यवस्था। ओडिशा के कटक में गृहमंत्री अमित शाह ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा संविधान सभा में आदिवासी महिला का कोई स्थान नहीं था, आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा केंद्र सरकार ओडिशा सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। अहमदाबाद में आजादी का अमृत महोत्सव मार्च, सीएम भूपेंद्र पटेल ने दिखाई हरी झंडी। आजादी के जश्न में डूबा चेन्नई, 8,000 छात्रों ने एकजुट होकर बनाया तिरंगे का स्वरूप। आगरा में हर घर तिरंगा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी। राहुल गांधी ने करो या मरो जैसे आंदोलन की जरूरत बताई, कहा तानाशाही, महंगाई, बेरोजगारी पर अब बोलना ही होगा। उत्तराखंड के खटीमा से मंझोला और सितारगंज से टनकपुर पर 4-लेन हाईवे को मंजूरी मिली। लोकसभा ने गैर जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक के विरोध में आए पंजाब के सीएम, कहा राज्यों को कठपुतली न समझे केंद्र। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा राज्य सरकार सब्सिडी बढ़ा सकती है, सब्सिडी कम करने के लिए विधेयक में कोई प्रावधान नहीं। सीएम गहलोत पर गिरिराज सिंह का निशाना, कहा सीएम के दिमाग पर सत्ता हावी है, बेटियों पर दे रहे हैं ऊंचा बयान। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा आरोप, कांग्रेस और जेएमएम के शासन ने प्रदेश इस्लामिक स्टेट में बदल रहा है। चंडीगढ़ में महंगाई को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, सांसद किरण खेर के घर के सामने जताया विरोध। दमन में इंडियन कोस्ट गार्ड ने सर्वधर्म पूजा का आयोजन किया, कैडेट्स की ट्रेनिंग शुरू होने से पहले हुई पूजा। जेईई मेंस के नतीजे घोषित, 24 छात्रों ने 100 अंक हासिल किए। सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट परीक्षा आयोजित, 64,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स शामिल, यूजीसी के चेयरमैन ने दी जानकारी। गुजरात के गांधीनगर में 18 से 22 अक्टूबर के बीच डिफेंस एक्सपो का आयोजन होगा। 21 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कुमारी रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी। 3 अगस्त को कांग्रेस और विधायक पद से दिया था इस्तीफा। राजनीति में एक बार फिर एंट्री के सवाल पर रजनीकांत ने कहा नो, राज्यपाल से मुलाकात की। 10 अगस्त को गुजरात जाएंगे केजरीवाल, पालमपुर में टाउन हॉल को संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल का बयान, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी देना अपराध है। केजरीवाल बोले लोगों को मुफ्त में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी मिलना ही चाहिए, इसे रेवड़ी कहने वाले देश के गद्दार हैं। कांग्रेस के हिमाचल पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने शिमला में की बैठक, विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग। भूपेश बघेल ने कहा 5 साल पहले बीजेपी ने जो वादे किए उसे पूरा नहीं किया, जयराम सरकार पूरी तरह फेल हुई। कांग्रेस ने हिमाचल में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया।
श्रीकांत त्यागी मामले में सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। गृह मंत्रालय से मांगी डिटेल रिपोर्ट। श्रीकांत त्यागी मामले में 6 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। श्रीकांत त्यागी की सरेंडर एप्लीकेशन पर 10 तारीख को पुलिस रिपोर्ट आने के बाद होगी सुनवाई। त्यागी का सुराग बताने वाले को नोएडा पुलिस देगी 25,000 रुपए का इनाम। अब तक फरार है श्रीकांत त्यागी। नोएडा की ग्रैंड रोमैक्स सोसाइटी में श्रीकांत के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। तोड़ा गया अवैध निर्माण। त्यागी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई के बाद सोसाइटी के लोगों ने बांटी मिठाइयां। बुलडोजर एक्शन पर बजाई तालियां। रोमैक्स सोसाइटी के आरडब्ल्यूए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस से मांगी 24 घंटे सुरक्षा। नोएडा मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कानून तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ दिखावा है। इतने सालों तक अवैध निर्माण का पता कैसे नहीं चला। कपिल सिब्बल का विवादित बयान। सुप्रीम कोर्ट से अब कोई उम्मीद नहीं। सेंसिटिव केसेस सिर्फ कुछ ही जजों को दिए जा रहे हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार। कहा सिब्बल और कांग्रेस नेताओं के बयान से उनकी मानसिकता झलकती है। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने सिब्बल के बयान की निंदा की। कहा तथ्यों के आधार पर कोर्ट फैसला देता है। पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 24 अगस्त तक हिरासत में रहेंगे संजय राउत। आईसिस से जुड़े मोहसिन अहमद की दिल्ली में एनआईए कोर्ट में पेशी। 16 अगस्त तक एनआईए कस्टडी में रहेगा मोहसिन। शिवसेना विधायक अब्दुल सत्तार की बेटियों का टीईटी प्रमाण पत्र रद्द। एजेंट को पैसे देकर परीक्षा पास करने का आरोप। ईडी ने महाराष्ट्र टीईटी में घोटाले की जांच शुरू की। मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका। महाड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच में जुटी ईडी। उद्धव सरकार के समय हुई थी परीक्षा। यूपी सरकार ने मंत्री राकेश सचान को आर्म्स एक्ट में 1 साल कारावास की सजा। 1500 रुपए का लगा जुर्माना। सीएम योगी ने आगरा में किया मेट्रो का डिजिटल अनावरण। मेट्रो प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लिया। चाइनीज बांझे की कारोबार पर बोले साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी। पकड़े जाने पर 5 साल की सजा है। सीकर के खाटू श्याम मंदिर में भगदड़। 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत। कई भक्त घायल। खाटू श्याम मंदिर हादसे पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। हादसे पर सीएम गहलोत का बड़ा ऐलान। मृतकों के घर वालों को 5-5 लाख रुपए। घायलों को 20-20 हजार का मिलेगा मुआवजा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए रेड। डोडा और जम्मू में एक साथ छापेमारी। मुंबई में एनसीबी ने 6 दिन में 3 ऑपरेशन अंजाम दिए। विदेशों से आए ड्रग को जब्त किया। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार। सूटकेस में मिला शव। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम इलाके में कार ने लॉरी को टक्कर मारी। 5 लोगों की मौत। बिहार के नालंदा के सरकारी स्कूल में फहराया गया एसडीपीआई का झंडा। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। गुवाहाटी के नुमंती इलाके में एक घर में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। नागपुर समेत पूरे विदर्भ में तेज बारिश का अलर्ट। अगले 4 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी। थाने में राजमाता सोसाइटी की दीवार गिरी। भारी बारिश की वजह से हादसा। चंबा में बादल फटने से तबाही। पानी के तेज बहाव में एक मकान क्षतिग्रस्त। लोगों ने भागकर जान बचाई। किन्नौर में NH5 पर लैंडस्लाइड। आवाजाही ठप। उत्तराखंड के धारचूला में भी लैंडस्लाइड। 6 घंटे की मशक्कत के बाद मलबा हटाया गया। देश में 24 घंटे में कोरोना के 16,167 नए केस। 15,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए। ओडिशा में कोरोना के 652 नए केस मिले। 24 घंटे में एक की मौत। मुंबई में 407 नए मामले। 24 घंटे में एक मरीज की जान गई। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। कोरोना नियमों का पालन कराने की बात कही। यूक्रेन के ज़ाप्सोरिज़िया में रूसी सैनिकों का हमला जारी। मल्टी रॉकेट लॉन्चर से किया अटैक। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता का बयान। फिलहाल रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच वार्ता की संभावना नहीं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से बात की। ताजा हालात और भारतीय मदद को लेकर की बात। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 40 पैसे गिरा। $1 की कीमत 79.64। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 466 अंक और निफ्टी 128 अंक के उछाल के साथ बंद। पीठ में चोट की वजह से जसप्रीत बुमराह एशिया कप से बाहर। अभिषेक बच्चन को IFFM 2022 में लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। और विकी कौशल ने फिल्म सैम बहादुर की शूटिंग शुरू की। फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ के जीवन पर आधारित है फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।